वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिंदजान में आपका स्वागत है। अल्लाह के रहम करम से और आपकी दुआओं के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। भाइयों काफी टाइम हो गया हमने वीडियो नहीं डाली यूट्यूब पर और बहुत से भाइयों के हमारे कमेंट भी आ रहे थे कि इमरान भाई आप कहां पर गायब हो गए, आप कोई वीडियो नहीं अपलोड कर रहे, क्या बात हो गई। कई तरह के मतलब सवाल आ रहे थे कि हमारे घर में कुछ मकान में तोड़ जोड़ लगा लो कुछ काम चल रहा था, मिस्त्री लगे हुए थे तो टाइम नहीं लग पा रहा था वीडियो बनाने का, 10-15 दिन उसमें लग गए तो इसलिए हमने वीडियो भी नहीं बनाई। मगर फिर भी हमने व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे भाइयों के जवाब देते रहे हम। तो भाइयों से कहेंगे किसी को अगर कोई अर्जेंट सवाल पूछा था किसी ने तो आज का दिन छोड़ के कल को दोबारा व्हाट्सएप पर हमें सवाल करें तो शायद हम उसको जवाब दे दें, ठीक है भाइयों। तो आज का कमेंट था, हमारे एक भाई ने कमेंट किया कि इमरान भाई हमें ये बताएं यार कि जो ब्रीडर कबूतर होते हैं उसमें हम उड़ान वाले कबूतर की पहचान कैसे करें और जो बच्चे पाल रहे हैं और वे उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे हम कैसे पता करें क्योंकि हमें पहचान नहीं होती। तो देखो ये बातें उनके लिए अच्छी साबित होती हैं जो नए बंदे हमारे साथ जुड़ते हैं, जो नया शौक कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी नई नॉलेज और नई बात आ जाती है सामने कि हाँ यार नई जानकारी है ये हमें कि हमें इसकी पहचान होनी चाहिए। क्योंकि जो पुराने तजुर्बेकार हैं, उस्ताद हैं या पुराने शौकीन बाज हैं जिन्हें काफ़ी टाइम हो गया शौक करते हुए तो वे पहचान लेते हैं, मगर हमारी वीडियो के जरिए जो बिल्कुल नए शौकीन बाज हैं उन्हें पता चल जाता है कि हाँ ये कबूतर हमने उड़ाना या नहीं उड़ाना, ये हम लें या न लें। क्योंकि अभी पीछे कई भाइयों के ऐसे कमेंट थे कि इमरान भाई हम कबूतर लाए उड़ाने के लिए मगर वो तो उड़ा दो चक्कर लिए सात वाली छत पर बैठ गया, उसका वजूद बहुत भारी था। फिर फोटो भेज के दिखा रहे हैं मेरे को कि इमरान भाई ये फोटो देखिए कि ये कबूतर उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। तो भाई का कमेंट देखो मिलता, मैं यहाँ शो करता हूँ और दिखाते हैं हम आपको कबूतर। देखो मद्रासी के ऊपर ही समझाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी मद्रासी हैं जो बच्चे पाल रहे हैं और पंजाबी भी हैं मगर हम मद्रासी के ऊपर ही दिखाएंगे क्योंकि हमारे साइड में मद्रासी के ऊपर ही ज़्यादातर कमेंट आते हैं। तो भाइयों देखो पहले तो थोड़ा ऐसे ही समझा देता हूँ मैं आपको कि ब्रीडर जोड़े जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है 4 साल से ऊपर को जितने भी कबूतर हो गए या 5-6 साल के लगा लो, इसमें कबूतर का वजूद देखा जाता है, उसके बदन की शेप देखी जाती है, उसके लचक, बदन की लचक, पंजों में जकड़न, मतलब फुर्तीलापन उसके शरीर में कितना है, उसके शरीर के अंदर कितनी जान है ये देखी जाती है। तो हम 1 साल से लेके जो बच्चा होता है बच्चे से लेके हम 5-6 साल तक के कबूतर को हम उड़ान में ले सकते हैं, इसका हमें पूरा तजुर्बा होना चाहिए। कहने को तो बड़े बड़े उस्ताद सिर्फ 4-3 साल तक के कबूतर उड़ाते हैं उसके बाद रिटायर कर देते हैं। बहुत से हमारे शौकीन बाज ऐसे हैं, हमने यूट्यूब पे वीडियो शो की थी, 8 और 9 साल तक 10 साल तक भी कबूतर को बच्चे भी पलाते रहे प्लस उड़ाते भी रहे, मगर इसके ऊपर उसकी देख रेख संभाल बहुत होती है, उसे खुलाई पुलाई क्या संभालना है क्या देना है सब देखना पड़ता है। मगर फिर भी हमारा भाइयों का कमेंट कि इमरान भाई थोड़ा तो हिंट दे दे हमें कि कबूतर की हम पहचान कैसे करें कि ये उड़ने वाला है या इससे हम बच्चे पलवाएंगे। तो देखो हर एक किसी को मालूम होता है फिर भी हम बता देते हैं वीडियो में कि छोटे मोटे हमारे जो भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें क्या पहचान करनी चाहिए, किस तरह की देखनी चाहिए। तो ये हमारा दवाज मद्रासी कबूतर है, ठीक है। जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है ध्यान से देखें, ये जगह देखें ये, ठीक है, जहां से कबूतर बच्चे को दाना देता है, ये चीज देखें इसकी, ठीक है, काफी खुली हुई है। इसका मतलब क्या, ये तकरीबन 3-4 साल से हमारे पास बच्चे पाल रहा है और इसकी उम्र भी तकरीबन अगर देखा जाए तो 6 साल से ऊपर की होगी, लगभग 6 साल, 6 या 7 साल से ऊपर का होगा ये कबूतर, इससे कम का नहीं है, ठीक है। तो इसी की दवाज की नस्ल हम लेके चल रहे हैं। तो ये कबूतर क्या है, इस उम्र में एक तो उम्र ज्यादा होगी, ध्यान से समझना, एक तो हो गए कि हम उड़ा रहे हैं, रेगुलर उड़ा रहे हैं, हर साल उड़ा रहे हैं, हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद हम उस कबूतर को उड़ा रहे हैं, और एक हो गया कि कबूतर को हमने शुरू से जब जोड़े में डाला 2-3 साल की उम्र थी उसकी, जब से जोड़े में डाला 2-3 साल तक हमने उड़ाया ही नहीं, 7 साल हो गए। तो ऐसा कबूतर कभी भी जल्दी से उड़ान नहीं दे पाएगा, शायद ही अगर उसकी ब्लड लाइन में है उड़ना और परंद रखा हुआ है आपने, वो पर मार रहा है ऊपर नीचे हो रहा है तो आप उसको उड़ान ले सकते हो, अगर वो 3-4 साल से पर कटे हुए हैं उसके या जाल के अंदर ही है तो ऐसा कबूतर बहुत मुश्किल हो जाता है कि अच्छी उड़ान दिखाए या 6 घंटे पार उड़े। तो ये
इस तरह का कबूतर, ये ब्रीडर है, जोड़े वाला कबूतर है ये, ठीक है। अगर हम इसके पर दे देंगे दोस्तों, पता क्या होगा, ये यहाँ से उड़ेगा और शायद दूसरे की छत पे जाकर के बैठ जाएगा, दूसरे कबूतरबाज के यहाँ जाके बैठ जाएगा, ये उड़ेगा नहीं। क्यों? इसकी उम्र ज्यादा है, तकरीबन 4 साल से ऊपर हो गए इसको हमारे पास, और इसे हमने उड़ाया नहीं, जबकि हमने जाल में इसको परंद रखा हुआ है, जाल में ऊपर नीचे हो रहा है, मगर ये उड़ेगा नहीं हकीकत में, ये कहीं भी गिर जाएगा। क्यों? उम्र ज्यादा है, बाजू में लचक खत्म हो गई है, बाजू में यहाँ जो मांस होता है वो भारी, ये देखिए यहाँ ये जगह इसकी मोटी हो गई है, ये जगह इसकी जो बाजू है ये भारी हो गई है, वजूद भारी हो गया है इसका, वजन भारी है इसका, तो ऐसे में ये कबूतर जल्दी से नहीं उड़ पाएगा। अब आप कहोगे कि इसको तो हम हल्के करने के लिए बतीसा, मीठा पानी या गुड़ या और बहुत सी चीज़ें आती हैं जिससे कबूतर का वजन हल्का किया जाता है, ठीक है, हम इसका वजन हल्का करके से उड़ा लेंगे, तो ये किसी कीमत पे भी नहीं उड़ पाएगा, ये गिर जाएगा। क्योंकि इससे हमने 4 साल में इतने बच्चे पलवा लिए हैं कि इसकी जो बाजू होती है ना, जोड़ होते हैं, कबूतर जब दाना देता है इस तरह हिलाता है अपने दोनों मोटे जोर जोर से हिलाता है, तो यहाँ सूजन रहती है, भारीपन रहता है, जान खत्म हो जाती है, वो उड़ान सही नहीं दे पाएगा। अगर कबूतर तुम साल में 2-3 दफ़े पूरी पूरी उड़ान ले रहे हो, बच्चे भी पाल रहा है, तो आप उसको 7-8 साल तक भी उड़ा सकते हो बच्चे लेते हुए, मगर उसकी आपको पहचान होना जरूरी है, ठीक है। ये तो हो गया कबूतर की उड़ेगा नहीं, आपने क्या पहचान करनी थी कि हाँ हम कैसे कहीं से खरीद के लाए कि वो बच्चे भी पाले और उड़े भी, तो एक तो ये हो गया। अब इसी का पट्ठा मैं दिखा रहा हूँ जिसकी कम उम्र है, बच्चे भी पाल रहा है, प्लस उसको आप जितना मर्जी उड़ा लो उड़ेगा भी, ठीक है, हम क्योंकि हम उसे बाहर भी रखा हुआ है, उड़ भी रहा है वो और बच्चे भी पाल रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या कि बड़ी उम्र का है, बाजू भारी हो गई, वजूद भारी हो गया, कई सालों से उड़ा नहीं, तो ये उड़ भी नहीं पाएगा, आप इसकी उड़ान भी नहीं ले पाओगे, इस तरह का भारी कबूतर ही देखें, ठीक है। ये देखिए अब जैसे बरसात, यहाँ एकदम से बरसात पड़ रही है, मौसम भी ठंडा हो गया है, तो देखो नस्ल एकदम से नहीं बनती, नस्लों को संभाला जाता है, रोकना पड़ता है, तो इसके फिलहाल हमने अभी पर वगैरह रोक दिए, काट दिए हमने इसके पर, ये बच्चा इसी का है, ये देखें, ठीक है। तो इसके आप देख रहे होंगे, ये देखो, ये चोल देखो, यहाँ दिख रहा है, ये खुली हुई ना चीरी हुई जगह जो है, ये इससे दिख रहा है कि इसने भी बच्चे पाले हैं, इससे भी हम बच्चे पलवा रहे हैं, मगर इसका वजूद देखें अभी चोल, चेहरे में पूरी कशिश दिखाई देगी आपको, चेहरे में तनावपन पूरा है इसके, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये दिखाना, ये देखो इस चेहरे में और इस चेहरे में दिख रहा है आपको फर्क, ये बूढ़ा लग रहा है, उम्र ज्यादा है, वजूद भारी, तो ये नहीं उड़ान नहीं दे पाएगा, काफी टाइम से रुका हुआ है, ये अभी पट्ठे टाइप है, ये तकरीबन मेरे ख्याल से मेरे पास इसको 1 साल से ऊपर, डेढ़ साल से ऊपर का ये बच्चा हो चुका है मेरे पास, दूसरा साल हो जाएगा इसको, 2-3 महीने में 2 साल हो जाएंगे इस बच्चे को, ठीक है। ये बच्चा देखे, इसकी वीडियो जब छोटा सा था तब भी हमने आपको यूट्यूब पे शो की थी, जब छोटा सा पल रहा था, फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे आपको यूट्यूब पे ये शो भी होता रहा, ठीक है। इसके भी बच्चे हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन लगा लो हम 3 बजे तक, सुबह से लेके दोपहर 3 बजे तक, 4 बजे तक हद, इतने इसके हमने उड़ान लिए, और उसके बाद हमने रोक लिया, क्योंकि हमने इनकी संख्या बढ़ानी थी, ज़्यादा करने थे दवाज के ऊपर अपनी छत पे, तो इसीलिए हमने इनको उड़ाया नहीं, रोक लिया, ठीक है। तो इस तरह का शेप जिस कबूतर में हो, देखिए चेहरे में कशिश है पूरा, बाजू भी बिल्कुल पतली अभी, ठीक, और जहां भी जाए आप, इस उम्र का कम से कम साल, 2 साल, 1.5 साल या 2-3 साल का कबूतर, ठीक है, जिसके चेहरे पर कशिश हो, बेशक यहां से आपको दिख रहा है कि वो बच्चे पालता हुआ है, वजूद हल्का है, ठीक है, परों में पूरी कशिश है, यहाँ मांस वगैरह नहीं है, बिल्कुल पतली सटाक है, क्यों, अभी तो ये मेरे ख्याल से 1 महीने पहले हमने उड़ान में ले रखा था, उसके बाद इसको कट किया। तो ऐसा कबूतर आप रेगुलर साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, कहने का मतलब 7-8 साल तक इसको उड़ा सकते हो, बशर्ते आपको इसकी खान पान पे पूरा देखभाल होनी चाहिए, कब क्या खुलाना है, कैसे संभालना है, कमजोरी ना हो, साल में कितनी बार उड़ाना है, कब नहीं उड़ाना, सब जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि आप अच्छे कबूतर उड़ा सको और बच्चे भी ले सको। क्योंकि बहुत से हमारे भाइयों को भी जानकारी नहीं कि इमरान भाई हमने जोड़े वाले कबूतर उड़ाए और जी अच्छी उड़ान दे रहे थे, गिर गए, क्यों गिरे आपको नहीं मालूम,
इसके ऊपर भी हमने तकरीबन काफी वीडियो यूट्यूब पर डाली हुई है, आप वहां से छोटी छोटी जानकारी हासिल कर सकते हो। और एक बात और कह दूं मैं इस वीडियो में, हमारे भाई बहुत से कह रहे हैं इमरान भाई चंदू का है, तो चंदू भी दोस्तों नीचे ही है, चंदू के साथ हमने लाल बच्चा लाल दवाज दो इसी के भाई बहनों ने, भाई बहन का जोड़ा लगा हुआ है, इसी के भाई बहनों ने जोड़े में लाल दवाज बच्चा निकाला था, वो भी हमने अपने हाथ पे लगाया है, वो भी नीचे है, उसकी भी वीडियो देखो आज नहीं तो कल हम बना के डालेंगे जैसे फ्री होते हैं। मगर जहां तक हो प्लीज ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अपने मिलने वाले यार दोस्तों के यहाँ जाएं, उन्हें भी बताएं कि कबूतर की पहचान कैसे कैसे की जाती है, कैसे इलाज किया जाता है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो प्लीज एक दूसरे की हेल्प करें, घर घर नस्ल बनाने में हमारा साथ दें। अल्लाह।